हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी गुड मॉर्निंग नहीं, अभी गुड आफ्टरनून हो रखा है। तो अभी मैं उठी हूँ, पता नहीं क्या हुआ यार, मैं 12 बजे सोई और 12 बजे ही उठी। पता नहीं सर्दियाँ आ गई है क्या है क्या नहीं। तो चलो मैं फाइनली उठ चुकी हूँ और अभी उठते उठते मुझे 12:30 हो गए। अभी मैंने ब्रश किया है और गर्म पानी लगाया है क्योंकि मम्मी काफ़ी गालियाँ दे रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पथरी है ना तो मुझे बहुत सारा पानी पीना होता है और मैं उतना पीती नहीं। सो या आई एम सो मच केयरलेस क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता जीने का। तो चलो अब हम लगाएंगे बालों में मेहंदी। मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है मेहंदी लगाने के बाद। तो चलो, तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ जहाँ पे कार पार्किंग का मैंने वो बनाया और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इतने मोटे मोटे मच्छर हैं यहाँ पे। तो ये मेहंदी ये नेचुरल है, तो चलो लगाते हैं। मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कैसे लगाते हैं। मच्छर था इतना मोटा। इधर तो मच्छर लड़ रहे हैं यार लड़ रहे हैं जड़ जड़। मतलब मन तो एक ली अरे मुलाही मेरे हाथ देखो कैसे हो गए हैं। टी शर्ट बना गिरा दी है फील हो ही कुछ है। हाँ तो लग रहा है कितना फील होनी चाहिए स्काल्प में। खाली स्काल स्काल्प लगाया है कल्ला दी सारे को। वो तांत ने लाई है कितनी तो लाई है तो ऊपर ऊपर चेपिया है ऊपर के फायदा जरा मार रहा था ना सर ठंडा हो जाए सर की गर्मी निकल जाए। कितने देर रख नहीं यार लाकर बस ऊपर तो ये दो भी है एक दो घंटे में सूख जाएगी एक घंटा हो गया और दो भी सूख जाएगी वो भी सूख के जाओगे। और वाइट टी शर्ट पहन कभी मेरे बाल लाल हो जाए हल्की हल्की रेडनेस तो आएगी क्योंकि मेहंदी है। अगर ज्यादा देर 4-5 घंटे रखे तक तो आऊंगी लाल लाल हो तो 1-2 घंटे में कुछ नहीं होता। मन भी लगाई देख मेरे तो मुझे मुआ काले ये जाता है क्योंकि मम्मी के तो सफेद बाल आ रहे फिर उनका मम्मी मेहंदी ला दे तो वह लाल हो जाए। जमकर अरे कपड़ा भी दिया ये वेस्ट पहले मेरे बाल इतने बड़े बड़े थे इतने बड़े बड़े फिर शौक चढ़ गया भी हस्बैंड उनका कटवाने लगे। एक तरह से नेचुरल हेयर मास्क होता है जैसे दही होती है सेम ही है कुछ भी थोड़ा
थोड़ी देर लगाओ सूख जाए दोनों, बस 5-6 घंटे रखो फिर कलर भी देगी बालों में जैसे मम्मी के देती है। मम्मी का ज्यादा दे उसके सफेद बाल है नहीं, थोड़े थोड़े ब्राइटनेस तो अपने में भी आएगी। अगर 5-6 घंटे लगाओगे तो अगर यही बात मैं इसको बोलती तो ये मेरे ऊपर टूट के पड़ती क्योंकि आजकल इसके दिमाग में ज्यादा गर्मी है, डिप्रेशन हो जाता है मुझे। लो पहना, योर हैप्पी इज कंप्लीट। ठंडा ठंडा तो लग रहा है। ये रंगोली कैसी बनाई पाया ने? मुझे तो बहुत अच्छी लगी भाई। और रसोई इतनी कंप्लीट हो चुकी है और उन्होंने चिमनी उतार दी क्योंकि वहां भी फिटिंग करेंगे और नीचे हम ये लगा रहे हैं। के कर लो पानी पीना था, यहाँ भी बना रखी है इतनी बादाम तो लगा ली है मेहंदी और काफी ठंडा ठंडा लग रहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो अब इतने नहा लेते हैं फिर बाद में सर धो लेंगे। तो चलो नहाते हैं। 1 बजे नहा रही हूँ। वैसे यार सच बताऊँ ना, कॉलेज में जाने से ना रूटीन बना रहता है स्कूल कॉलेज में। जैसे सुबह उठो, सब कुछ टाइम पे खाओ पियो और दोपहर में भी खाओ, क्लासेस भी लगाओ, मतलब स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ मतलब पढ़ते रहो। जब तक बुढ़े नहीं होते ना तब तक पढ़ते ही रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहो, बेस्ट है। ये मेरा खाना, रोटी सब्जी और चाय। चलो खाती हैं। और ये मेहंदी अभी तक गीली है, सूखी नहीं, और मैं नहाई भी नहीं। अब ये सूखेगी तो मैं नहाऊंगी। तो मैं नहा ली हूँ और अभी बजे हैं 2 बजे में नहाई हूँ, सर धोया है। और मैंने क्या किया, मैंने पन्नी बांध ली फिर अपनी टी शर्ट रिमूव कर ली, वरना मैं तो सारे दिन ऐसे बैठी ही रहती, तो ये दिमाग का काम था। तो आज मैं पहनूंगी स्वेटर और ये H&M से, और ये ली थी मैंने 2000 की। और अब सर्दी आ गई है और मेरे को ठंड लग रही है तो मैं इसीलिए पहनूंगी। तो चलो पहनते हैं। तो मैंने शर्ट पहन ली है और अब मैं इसके ऊपर पहनूंगी ये। और ये शर्ट लेके आई थी मैं बॉयज़ वाली शॉप से, तो ये थी 700 रुपये की शर्ट। और ये जो मेरी हुडी है ये 2000 की, ये लो देख लो। फिर आप लोग बोलते हो कि आप झूठ बोल रही हो, यू बोल रही हो। भाई मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा, जो चीज़ है तो है। अब ये 2000 की है तो है, अब इसमें क्या है। सो ये 199 की है और ये बिल्कुल फ्रेश है। तो या तो चलो पहनते हैं, इसको तोड़ दो। जच रही है क्या इस पे? सर्दी आ गई है मेरे नाम की तो आ गई, औरों को मुझे पता नहीं। सो कैसी लग रही है? तो भी इसके नीचे डालूंगी मैं जीन्स। सो गाइस आई हैव ऑप्शंस ग्रीन, बट ग्रीन पे ग्रीन थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। डेनिम जैकेट तो नहीं पहनूंगी मैं, ये स्कर्ट नहीं, शॉर्ट्स भी नहीं, लेदर की पैंट भी नहीं। तो इस आउटफिट के अकॉर्डिंग ये वाली जाएगी। सो चलो ये पहनते हैं। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और मुझे नहीं पता मैं किस चीज़ के लिए रेडी हुई हूँ, ना तो मेरा वीडियो बनाने का मूड है ना ना कुछ पता नहीं है। मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो जो कल पापा वाला व्लॉग था उसमें कुछ लड़कियाँ बोल रही थी दीदी हमें कुछ भी समझ नहीं आया,
तो इतना सब कुछ तो बता दिया मम्मी ने, अभी भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग तो सब क्या ही बोलूं। अगर फिर भी बिल्कुल ही कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो मैं दोबारा से अच्छे से बैठ के मम्मी के साथ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यार बताने को, बहुत ख़त्म ही नहीं होंगी। चाहे 100 व्लॉग बना लो, इतनी मतलब 25 साल की कहानी है, अब 25 मिनट में तो पूरी नहीं हो सकती ना, बट ये है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्या कहानी है, क्यों नहीं साथ रहते, क्या रीज़न है, बस इतना पता लग जाए उतना इनफ है। और मैं पहले बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो बच्चे तंग करते हैं और आप लोगों को तो पता है हमारा सोसाइटी कैसा होता है, हमारा समाज कैसा होता है, अगर किसी का कुछ भी हो जाता है तो वो तंग करते हैं, चिढ़ाते हैं, इरिटेट करते हैं और फिर जज भी करते हैं कि ओ इसका ये नहीं है, इसका वो नहीं है। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें पहले इसीलिए ही बता रही थी क्योंकि ये था। फाइनली मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं, आई थिंक मुझे शेयर करना चाहिए, एटलीस्ट लोगों को भी तो पता चले कि कैसे कैसे लोग रहते हैं सोसाइटी में, है ना। सो या, और बी स्ट्रॉन्ग इन योर लाइफ। जो लड़कियां कमज़ोर होती हैं, जो लड़कियां बहुत अधूरा अधूरा फील करती हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी सीख है कि आप लोगों को हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना लाइफ में। और अगर आपकी लाइफ से कोई जा भी रहा ना, सो डोंट वरी यार, लाइफ बहुत बड़ी होती है। सो या, मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, मम्मी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। और तो मैं किसी से क्या सीखूं जब मेरे घर में मेरी मम्मी इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। शी इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी। बस अब ये है कि जो कुछ हो गया हो गया, अब बस मम्मी को इतना प्राउड फील कराना है, इतना कराना है ना, जिसकी कोई हद नहीं हो। और उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी। मैंने पढ़ाई भी इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि मैं पढ़ाई में भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो या, जो मेरी मम्मी के ससुराल वाले थे वो कहते थे लड़की है लड़की क्या करेंगी, वो चीज दिमाग में बैठ गई और अब वो चीज रॉन्ग प्रूव करनी है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं और करूंगी भी। और अब मैं चाहती हूँ कि हर फैमिली में उनके पेरेंट्स बोले कि लड़कियां हो तो ऐसी जो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराए। हर घर में माँ बाप ये बोले कि हमें तो लड़की ही होनी चाहिए। अरे क्या है यार, लड़का लड़का लड़का, देखे हैं हमने लड़के भी लात मार लेते अपने माँ बापों को, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो या, जो हो गया सो हो गया, अब लाइफ में आगे बढ़ते हैं और जो जैसे करेगा वो वैसे भरेगा। भगवान देख रहा है, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। बस ये है कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, भगवान अपने आप खुद ब खुद देख लेगा। और अब सब ठीक है, अब सब नॉर्मल है, हम अपना पढ़ रहे हैं, घर बना दिया मैंने जो मेरा एक ड्रीम था। सबसे पहले तो यही ड्रीम था कि घर हो जाए, क्योंकि पहले कड़ियों का था घर, मिट्टी का था, तो वो चीज़ अच्छी की। फिर उसके बाद एक्टिवा भी ली, फिर अब कार भी लूँगी, जमीन भी खरीदूँगी, जितना एक लड़का करता ना उससे 100 गुना ज़्यादा करूँगी। और कभी भी अपनी मम्मी को अनप्राउड फील नहीं होने दूँगी। भैया आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मुझे रोते हुए देखा होगा, मुझे पता है मैं रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी लगती, एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। सो गाइस, मैं खा रही हूँ दोपहर का खाना और मैंने अपने बाल खोल लिए, काफ़ी गीले हैं अभी, सूखे नहीं हैं, तो जब सूख जाएंगे तब बांध लूँगी। और खाना खाने के बाद हम जाएंगे पानीपत, घूम फिर के आएंगे, बोर हो रहे हैं घर पे, देखते हैं आज आउटडोर वीडियोस बनाऊंगी, बहुत टाइम हो गया। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड दिस इज माय आउटफिट। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और सो अब मैं जा रही हूँ पानीपत बर्थडे की शॉपिंग करने, देखते हैं क्या लेके आएंगे क्या नहीं। तो चलो, जय श्री राम।
इधर ही दे दिए इनके बोतल है। सो गाइस हमने उन कंबल के बदले में इधर ही ले लिया। हां गाइस ठीक लगा है, पट्टी लगाना पड़ेगा, कवर दे दो ना, कवर भी ले लो किसके, ये चादर ले ले, मंगवा तो लिए ब और चार बार बता दिया ना कितनी बार लेओगी कवर, पूरा कौन नहीं मिला, ऑनलाइन में मिलेंगे। अच्छा ठीक अमन को क्या और भी अकाउंट पे दे दिया पूरा है ना, गर्जा कर सीधी सी लाई है बीच में काटूंगा फिर भी छोटी काट लगा लोगे बताओ मेरे को, ये कह रहे हो यो भी देखो गल दे और यो से में होगा, बीच में काटे कति खराब ना करिए। तो फिर सुनो ना साथ इसमें है तो उधड़ेगी नहीं, आ 12 में उधड़ेगी नहीं, मैं नहीं उधड़ेगा, मैं समझा देता हूं गाठे कैसे लगा लोगे ऐसे बताओ, ठीक है छोटी में मलाऊंगी गाठ को ऐसे कर दे ये लोग कह रहे हैं कपड़ा भी लाग सको ऊपर दर का मशीन गला नहीं और क्या सुई टूट जाएगी कुछ नहीं टूट, हां फोकी पड़ी है, मैं दरी थोड़ी ना जो मौसी बनाया करा, मैं तो करड़ी हूं, मैं ये तो जो फोकी सी पड़ी ना तो मशीन में धो ले चा, वही तो बात है। अभी लगाना कहाँ ठेक, कैसे मारूंगा के करूंगी, ये दो तक गेटा होंगी हटाने से क्या फायदा, पट्टी ला लो सीधा सामने रहेगा, अब तक हटाओगे ये करोगे वो करोगे मेरा थोड़ लगेगा आपका। गाइस मैंने लिए कपड़े, तो गाइस मैंने यहाँ से लिए हैं 8,000 के, दो टॉप अपने लिए लिए हैं, दो टॉप पायल के लिए लिए हैं, क्योंकि फिर मैं अपने अपने लिए लेती हूँ तो फिर वो मुंह बना लेती है उसका मुंह सड़ जाता है, तो फिर मैंने सोचा अब मैं जब भी शॉपिंग करूंगी तो उसके लिए भी लूंगी अपने लिए भी लूंगी, है ना। सो गाइस अब हम आ गए हैं यहाँ पे गोपाल गोलगप्पे खाने, तो मम्मी मेरे को और कुछ नहीं खाने दे रही, बोल रहे सिर्फ गोलगप्पे खा और चलती बन घर पे, और नहीं नीरा नीरा खाया जा डंगा घर का, ये कौन खांदी, मैं नॉर्मल है लिखा कर चल, ये कौन खांदी। तो गाइस अभी तो मैं खाती नहीं, मैंने बंद कर रखा है बाहर का, कभी कभी खाती हूँ, और अब जन्मदिन आएगा तो जन्मदिन पर भी सोच रहे हैं, जन्मदिन पर नहीं मैंने सोच की पूरी सब्जी और खीर, तो चलो गोलगप्पे खाते हैं। बड़ा फोन किया था तो काटा है क्या, अब नहीं कहते। सो मैं घर आ चुकी और मैंने मुंह धो लिया, हाथ भी धो लिए, तो चलो पाल को दिखाते हैं उसके लिए क्या लेके आए हैं, लेट्स सी हर रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एनी गेसेस, विंटर क्लॉथ, हाँ लाइक तो ये है, ये तेरे लिए, ये मम्मी ले, मम्मी ने पसंद किया ये। एनी गेसेस क्या प्राइस होगा इसका, फिर भी कुछ वो भी नहीं लग रहा, टैग हटा दिया ना वहां पे, इसका लग रहा शायद, ये क्यों है, ये बर्थडे के लिए लेके आई हूँ मैं, मेरे बर्थडे पे डाल लियो क्योंकि फिर कलेश करती है ना, तो इसलिए, तो इस बार मैं कोई कलेश नहीं चाहती थी इसलिए फिर मैं पहले ही ले आई, बड़क खत्म, ठीक है। ये मैं दोनों कलर मम्मी के फेवरेट है, ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ, ये नाटे थी मम्मी मेरे तो, पर मैंने बोली मैं क्यूट है, तो ये आए हैं 8,180 के, let me calculate।
इतने के तो नहीं होने चाहिए। एक तो है 2395, एक है 1595। ये होगा 2395 कौन सा? ना ना तेरे घड़े महंगे आए हैं। इस पर भी 1500 रेट। हाँ है, एक तो 1595 या ज्यादा महंगी दी है यार। या येलो येलो कितनी महंगी होनी चाहिए। सर्दिया के ना पतली है बिल्कुल। हाँ तो फिर जितना पतला होगा उतना ही तो इतने में तो बुढ़ी आ जाए। और एक 2295। सो यस अब तुम कर करो इसे पैक में रोटी बना लो। सो गाइस वीडियो बनाते बनाते मैं खा रही हूँ खाना क्योंकि मेरे को भूख लगी थी तो मैंने सोचा थोड़ा गैप ले लेती हूँ। तो चलो खाना खाते हैं, रोटी दाल मिर्च लासी बच रही है। सो गाइस मैंने वीडियोस बना ली हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और वीडियो बनाने के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और इसलिए मैंने स्वेटर निकाल दिया। तो खाना तो मैंने खा लिया था और मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए सोशल मीडिया पर। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं यार, होता है, सबकी लाइफ में होता है। हर किसी की लाइफ राजा महाराजाओं जैसी नहीं होती, हर कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल देखता है, किसी को किसी चीज़ का स्ट्रगल है, किसी को किसी चीज़ का। सो इट्स ओके, मुझे शेयर करना था मेरी जिंदगी मेरी लाइफ, अगर मेरा मन करेगा तो मैं शेयर करूँगी, नहीं करेगा तो नहीं करूँगी। और कहते हैं कि कुछ चीज़ें शेयर करने से मन हल्का हो जाता है और पहले तो मैंने सोचा था मैं नहीं करूँगी, पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रहने दो, बट फिर मैंने सोचा कि यार एटलीस्ट लोगों को भी तो पता चले कि किस किस टाइप के लोग होते हैं, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इस मोटिव से मैंने भी बता दिया कि शायद किसी को सीख मिल जाए कि कुछ भी कदम उठाने से पहले, जैसे कुछ बच्चे होते हैं सुसाइड करने का सोच लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, मैंने बहुत देखे हैं। अभी एक लड़का था 12th में फेल हो गया तो सुसाइड कर ली, मतलब यार हद है। इससे मम्मी की स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो प्रॉब्लम ही है, उसका सोल्यूशन हो सकता है, आप उस चीज़ को लेके अपनी लाइफ को ख़त्म मत करो यार। चाहती तो मम्मी मर सकती थी या हमें छोड़ सकती थी पापा के पास, बट मम्मी ने सब कुछ नहीं किया, मम्मी ने डट के लड़ाई की और जीती भी। और यस मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है आई नो, और हम भी बहुत स्ट्रांग है, बट या एट दी एंड इमोशनल हो जाते हैं थोड़ा बहुत क्योंकि लाइफ में बहुत दुख सहन किया है। आप लोगों को लगता नहीं होगा मेरे फेस से मेरे स्माइल से जिस तरह से मैं रहती हूँ जो मेरा पर्सनैलिटी है उस अकॉर्डिंग तो कुछ लोग तो सोच भी नहीं सकते होंगे कि काजल की लाइफ में इतना कुछ घटा है, और यही नहीं इससे भी ज़्यादा घटा है। बट चलो अब जो हो गया पास्ट था, अब प्रेजेंट में अच्छे से जी रहे हैं। या चलो इस व्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मेरा टारगेट 30K है। तो ओके बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।